नमस्कार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम सैलरी एरियस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं और हमें कितना इनकम टैक्स रिफंड मिल सकता है। सो ये तीन स्टेप में हम सीख सकते हैं। स्टेप वन, टैक्स एज पर रिसीट बेसिस। इसका मतलब क्या कि हमको जिस साल में पैसे मिले हैं उस साल के हिसाब से हमारा कितना टैक्स बनता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक एम्प्लॉय एक्स है, उसको 5 साल का एरियर्स मिला है, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19 और 19, 20। ये कौन से साल में मिला है? 2020-21। अब हम इसके पिछले इनकम टैक्स रिटर्न से पता कर सकते हैं इसकी टोटल इनकम कितनी थी। 15-16 में 2 लाख रुपए थी, इसके ऊपर टैक्स जीरो था। 16-17 फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख थी, जिसके ऊपर हमने 10,300 पे किया था। 17-18 में 6 लाख रुपए थी, इसके ऊपर हमने टैक्स दिया था 3,475। ये सारी डिटेल आपको पिछले सालों के रिटर्न से मिल जाएगी। आपकी टोटल इनकम कितनी थी, आय कितनी थी एंड आपने कितना टैक्स भरा, इसको लिख लेंगे। अब इस साल आपको जो फॉर्म 16 दिया होगा एम्प्लॉयर में, तो उसमें आपकी सैलरी इनकम ज्यादा दिखती होगी क्योंकि एरियर्स भी है और टैक्स भी बहुत ज्यादा दिखता होगा, राइट। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में लिया है कि 2021 में 21 लाख सैलरी, ठीक है, इसमें मान लेते हैं 10 लाख रुपए एरियर्स है और बाकी 11 लाख उसकी सैलरी है। तो अभी आप देखिए कि इसका टैक्स कितना ज्यादा बन गया इस साल, 4,60,200। इतना अमाउंट एम्प्लॉयर ने काट लिया होगा एज अ TDS, करेक्ट। ऐसा ही आपके साथ भी हुआ होगा कि पुराने पिछले सालों का हिसाब निकाल के एम्प्लॉयर ने TDS काट लिया है। तो ये था हमारा स्टेप वन। स्टेप वन में हमने ये देखा कि पिछले सालों के रिटर्न में कितनी इनकम दिखाए थे और कितना टैक्स काटे थे, और हमने ये बना लिया। मैं एक सम का फॉर्मूला चला देता हूँ। पिछले 6 सालों में 50 लाख कमाए और टैक्स भरा 6,75,575, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप टू पे। स्टेप टू में हम क्या करेंगे, हम अगर अगर सपोज कीजिए कि ये एरियस नहीं होता और एम्प्लॉयर ने हमें उस साल में ही पैसा दे दिया होता, तो फिर हमारा इनकम टैक्स कितना आता। तो ये फॉर्मेट बना लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर टोटल इनकम, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब तीसरा कॉलम मैं बनाता हूं एरियर्स का, चौथा एक्रूड इनकम, टैक्स ऑन एक्रूड इनकम। मान लेते हैं कि 21 लाख में से 10 लाख मेरे एरियर्स हैं, तो मेरी 2021 की सैलरी कितनी हुई, 11 लाख रुपए। अब ये 10 लाख किस हिसाब से एम्प्लॉयर ने मुझको दिया है, तो उसका कहना है 1 लाख रुपए 15-16 के हैं, नेक्स्ट ईयर के 1 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए इस साल के लिए, 3 लाख इस साल के लिए, ठीक है। तो अब मान लेते हैं अगर मुझे उसी साल एरियस के पैसे मिल गए होते 15-16 में, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो जाती, 3 लाख, यहाँ पे 5 लाख, यहाँ 8 लाख, यहाँ 11 लाख, फिर 12 लाख, ठीक है। अब अगर मेरी उस साल इनकम 3 लाख होती तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ जाता, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3 लाख के ऊपर 3,090 का टैक्स आ जाता, इसके ऊपर 20,600 का टैक्स आ जाता,
और इसके ऊपर इतना टैक्स आ जाता। ठीक है, तो हमने क्या किया, कितने सालों की, 6 साल की इनकम लिख ली, कितनी कितनी मिली थी, एरियर्स लिख लिए उसके बाजू में जिस साल का है, टोटल इनकम जो हमने दिखाई थी रिटर्न में, अरियर्स ऐड कर दिया तो एक्रूड इनकम हो गई 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख के ऊपर कितना इनकम टैक्स आता है, वैसे ही नीचे किया, 5 लाख के ऊपर इतना टैक्स, 8 लाख के ऊपर इतना टैक्स, 11 लाख के ऊपर इतना टैक्स, 12 लाख के ऊपर इतना टैक्स और 11 लाख के ऊपर इतना टैक्स, ये हमने सेकेंड स्टेप में निकाला। देखिए इनकम अभी भी सेम ही रहेगी, 50 लाख, बस हमने उसको बांट दिया जिस साल में जिस इनकम थी। अब ये टैक्स ऑन एक्रूड इनकम कितना आ रहा है, 574165। ठीक है, जबकि मेरा टैक्स स्टेप वन में कितना रहा था, 675575। ठीक है, सो स्टेप थ्री में हमको क्या करना है, दोनों को लिखना है फिगर और माइनस करना है। टैक्स एज पर रिसीट बेसिस 6,75,575, टैक्स एक्सपर एक्रूअल बेसिस 574,165। ये हमारा स्टेप वन का आंसर है, ये हमारा स्टेप टू का आंसर है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा रिलीफ अमाउंट है। ये रिलीफ अमाउंट आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए आपको फॉर्म 10E फाइल करना पड़ेगा एंड आप देन इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं अपने ITR फाइल करते वक्त। आई होप ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, ताकि आप रिफंड का अमाउंट कैलकुलेट कर सके कि आपको कितना रिफंड मिलेगा आपके सैलरी एरियर्स के कारण। थैंक यू।